29 वर्षीय सैयद अनस पिछले कुछ समय से अपनी बीवी सैयद सना बानो के घरवालों से काफी डरे और सहमे हुए हैं। वजह यह है कि अनस ने दूसरा निकाह किया था, जिसकी जानकारी उसके पहली पत्नी और उनके घरवालों को हो गई थी, जिसके बाद सना के घरवालों ने सना को अपने घर वापस बुलवा लिया। और अब अनस की बात माने तो उनको और उनके घरवालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपने ससुराल वालों से डरकर अनस ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। अनस ने ये भी बताया कि इसी डर की वजह से अनस और उनके घर वाले अपने गांव गुजरात भी नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही अनस ने ये जानकारी भी दी है कि अगर इस बीच उन्हें या उनके परिवार को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार सैयद सादिक मियां और उनके साथी होंगे। मेरा नाम सैयद अनस असबाब है, मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा एक दूसरा निकाह किया था मैंने, आज से 4-5 साल पहले मैंने पहली निकाह किया सैयद सना बानो से, जो छतराल की रहने वाली है। उसके बाद उस लड़की से मेरा एक बच्चा है जो 4-5 साल का है। उसके शादी के 4 साल बाद मैंने दूसरा निकाह किया, जिसका नाम सैयद मरियम है। मरियम से निकाह करने के बाद जब पहले ससुराल वाले सैयद सना के अब्बा सैयद सादिक मियाँ सैयद मियाँ, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, हमें गांव बुलाया, 200-300 आदमियों को जमा किया, मुझे परेशान किया, अब्बा को परेशान किया, भाई को परेशान किया और बोला कि लड़की को तलाक दो वरना हम तुमको जान से मार देंगे। वहाँ से तो हम वापस आ गए। उसके बाद रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते थे, बार बार बम्बई आते थे, धमकियाँ देते थे। फिर भी 1-2 साल तो किसी तरह गुजर गए। 2 साल बाद मेरी दूसरी वाइफ सैयद मरियम अनस, वो प्रेग्नेंट हुई। तो जब उनको उस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि इसका एबॉर्शन कर दो वरना हम तुमको जान से मार देंगे। कैसे भी हाल में एबॉर्शन तो मैंने कराया नहीं। तो जब प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद मेरी पहली वाइफ सैयद सना बानो उन वो यहाँ पर से वहाँ चली गई छतराल में अपने अब्बा के घर पर। वहाँ जाकर 3-4 दिन बाद उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट के लिए कुछ पी लिया और वहाँ से 498 की दहेज की कलम लगा दी डाउरी केस। वो केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, वहाँ से स्टे ऑर्डर मिल चुका है और FIR क्वेश हो गई है। उसके बाद ऐसे ही दिन जाते गए, वो नए एक ना एक कुछ ना कुछ नए झूठे केस करते रहे। उसके बाद अभी 25 अक्टूबर 2017 को उन्होंने मुझे 125 की कलम FIR करके, मतलब मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस के लिए बुलाया। तो मैं कलोल कोर्ट में हाजिरी के लिए गया था, तो उन्होंने जब कोर्ट से मैं अपनी हाजिरी पटा लिया, हाजिरी मेरी पूरी हो गई, तो जब मैं रिटर्न आया तो उन्होंने उस रिटर्न में मेरी गाड़ी पे 50 आदमियों के साथ अटैक किया। वहाँ से हम अडालज पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर अडालज पुलिस स्टेशन वाले ने FIR नहीं लिया। फिर उन्होंने 50 आदमी के साथ अटैक किया तो वहाँ से बच पूछा कि कैसे भी मैं एयरपोर्ट तक आ गया और बम्बई आ गया। अब बम्बई आने के बाद वो कुछ ना कुछ मनसूबे करके, कुछ ना कुछ हालत तैयार करके झूठे केस और झूठी FIR बनाते रहते हैं और वहाँ से वाया वाया दूसरों के खबर पहुँचाते रहते हैं कि जान से मार देंगे, काट डालेंगे, घर में घुस जाएंगे। अब घर में एक अपाहिज बहन है, एक दूसरी भाभी है, एक बड़ा भाई है, सब सुबह काम पे जाते, बहन और भाभी सब अकेले रहते हैं, वो पूरे डरे हुए। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मेरी दूसरी वाइफ सैयद मरियम अनस आए थे बम्बई कुछ दिन के लिए रहने के लिए, तो वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन करते थे लोगों को कि अभी हम आधे घंटे में आ रहे हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे। इस बात की मतलब इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी अम्बोली पुलिस स्टेशन और DSP ऑफिस वगैरह में दे चुकी। मजबूरी कोई भी नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, बस मैंने कर लिया। हाँ, फिलहाल मेरे को मेरी सेफ्टी चाहिए, मेरी फैक्ट्री यहाँ से वसई में, रोज़ मैं 50 किलोमीटर जाता हूँ, 50 किलोमीटर आता हूँ। फिलहाल मैंने एक बॉडीगार्ड भी रखा हुआ, अब उनको भी सैलरी देना, एक बिजनेसमैन आदमी है, घर में भाई भी जॉब पर है, अब्बा साथ में रहते रोज़, तो अब ये सब मैं सिर्फ घर की फैमिली अकेली रहती हूँ। अब गुजरात में फुप्पी खाला पूरे रिश्तेदार है, अब कहीं जा नहीं सकते ये बदौलत पर कि उन्होंने कहा है कि जहाँ देखेंगे वहाँ मारेंगे। उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मेरे पास मौजूद है। सैयद साजिद बड़े 2 साल से हम लोग को परेशान करते हैं, मेरे हाथ पैर दोनों काम नहीं करते। मेरे बड़े भाई सुबह से फैक्ट्री पे चले जाते हैं और धमकी देते रहते कि जान से हम लोग को मार देंगे। मेरे को सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, कभी कुछ हो गया तो मेरा तो कोई सहारा नहीं है भाई लोग के सिवा। और गाँव में भी सब लोग को बोलते जान से मार देंगे, वो मार के जेल में चले जाएंगे। मेरे को रात को सोती तो भी बहुत डरता है, हम लोग घर को लॉक मार के सोते, लेकिन डर लगता है, ऐसा सब बोलते रहते हैं लोग के मार देंगे, जान से भाई लोग को मार देंगे।
भाई लोग तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते, भाभी लोग साथ में, भाभी को भी, भाभी भी आते तो रिश्तेदार लोग बहुत गाली देते थे, तो रात को भी हम लोग डर, बहुत डर लगता है तो लॉक मार के सोते।